क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करेंगे एक्सरसाइज है 8.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज गिवन sec theta is equal to 13/12 फिर से एक रेशियो हमें दिया हुआ है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं उनको हमें फाइंड करना है यानी कि अगर मुझे sec दिया हुआ है वहां पे क्या बचता है साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट मुझे इनको निकालना होगा लेकिन अगर आप देखोगे गौर से जो मुझे एक रेशियो दिया हुआ होता है इसमें दो साइड छुपे हुए होते हैं एक ट्राइंगल साइड दिए सबसे पहले मैं देखूंगा मुझे कौन से दो साइड गिवन है मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 sec किसके बराबर होता है देखिए मैं यहां पे लिखता हूं सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी मुझे तीन निकलेंगे इस सेंटेंस से ये एक ट्रिक है एक सेंटेंस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने के लिए सम People have curly black hair to present beauty. तो ये मुझे निकल के तीन लेकिन मुझे कौन सा चाहिए sec? Sec किसका reciprocal होता है? Sec cos का reciprocal है. तेरा sec बराबर h by b. तो इसका मतलब है sec अगर 13/12 तो सुषमा सा बराबर h by b. इसका मतलब है h है 13 और base is 12. इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे एक right triangle को बनाऊंगा अथवा बनाओ a B और C तो इसमें मुझे हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा 90 के अपोजिट वाला साइड होता है वो है मुझे 13 और बेस है 12 इसका मतलब है परपेंडिकुलर को मुझे फाइंड करना ये कितना बनिए बाय पाइथागोरस थ्योरम जब मुझे परपेंडिकुलर फाइंड होगा फिर मैं सारे के सारे रेशियो निकाल सकता हूं क्योंकि दो तो मुझे ऑलरेडी पता है अब मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर को फाइंड करना तो बाय पीजी थ्योरम बाय पीजी पीजी थ्योरम क्या कहती है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ठीक है ना एच का स्क्वायर इसके बदले में 13 एच के बदले में लिखूंगा 13 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मुझे निकालना है वापस एज यहां पे कोई कंफ्यूजन 13 इंटू 13 को 169 12 इंटू 12 को 144 प्लस पी स्क्वायर ठीक है अब मुझे पी स्क्वायर को निकालना है 169 अपने साइड में ये 144 प्लस था इधर आ जाएगा इट इज माइनस 144 पी स्क्वायर 169 से निकालेंगे 144 125 तो लेकिन मुझे पी चाहिए मुझे पी स्क्वायर नहीं चाहिए या तो स्क्वायर अगर मैं 25 के बदले लिखूं 5 का स्क्वायर फर्क दिया था क्योंकि 25 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 5 है योर्स पी स्क्वायर थी यहां मैंने इसके स्क्वायर को कुछ नहीं किया सिर्फ मैंने 25 के बाद लिखा 5 का स्क्वायर लेकिन ये हम तभी लिख सकते हैं अगर इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर नहीं है तब दें चलो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर का था पी ड्रॉ 5 मुझे पी निकला 5 आप मैं आराम से ये करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकता हूं अब मैं साइन से स्टार्ट करता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये p by h p कितना है p है 5 और h है 30 निकला मुझे 1 आसान है कि मुश्किल है sin के बाद cos cos theta formula p by h p कितना है 12 और h है 30 निकला मुझे दूसरा हो गया cos इसके बाद tan tan theta tan की formula p by वहां पे लिखा है p by b और ये p by b तो p कितना है 5 और b है 12 cos गए 3 sin cos tan अब उसके बाद cosec cosec theta cosec किसका reciprocal होता है sin का अगर sin जो p by h cosec का है h by b cosec जो है वो है h by b h अगर आप triangle लेते हो 13 और b है 5 cos right 4 हो गए sec already दिया हुआ sec को नहीं निकालना साइन कॉस टेन कॉस एक्सेक और उसके लास्ट कॉट कॉट किसका रेसिप्रोकल है टेन का टेन बराबर है पी बाई बी तो कॉट बराबर होगा बी बाई पी तो बी कितना है 12 और पी है 5 इस तरीके से मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर दिया